के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 2021 के ऐसे अद्भुत फैशन ट्रेंड्स जिनको देख के आपके मतलब होश उड़ जाएंगे. यू विल बी अमेज्ड टू सी दीज न्यू स्टाइल्स. तो बने रहेंगे इस वीडियो के एंड तक. अगर आपको पसंद आए तो याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ शेयर की है वेडिंग मिस्टेक्स. बेसिकली फैशन वेडिंग मिस्टेक्स हैं वो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ यू आर एमिंग टू लुक ग्रेसफुल. और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आपका पूरा वेडिंग का जो लुक है उसे खराब कर सकती हैं. सो क्या चीजें हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने उन चीजों को नोट डाउन करके आपके साथ शेयर किया है. इफ यू हैवंट सीन द वीडियो येट प्लीज मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह इंप्रेशन इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल. सो इट्स नॉट अ वीडियो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट इट्स अ वीडियो जो आपको जरूर देखनी चाहिए इफ यू आर समवन जो फैशन में सेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड फैशन डज नॉट मीन नॉनसेंस टू यू. सबसे पहले है जॉर्ट्स. जॉर्ट्स मतलब जीन्स और शॉर्ट्स को मिक्स करके गार्मेंट बना जिसे जॉर्ट्स कह दिया. यानी कि ऐसे शॉर्ट्स जो डेनिम फैब्रिक में बनते हैं, जीन्स जैसी आपकी होती है सेम वैसे शॉर्ट्स हैं. सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, बहुत अच्छा स्टाइल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना है. ऐसा नहीं है कि अभी अभी नया नया है. तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम शॉर्ट्स को कॉटन में बनाएंगे तो क्या हम उसका नाम चेंज कर देंगे, या पॉलिएस्टर में बनाएंगे तो क्या उसका नाम चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली अगर एक गार्मेंट है उसको हमने एक डिफरेंट फैब्रिक में बनाया तो क्या उस गार्मेंट का नाम चेंज हो जाएगा. सो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं. एक कुर्ता है राइट, हम कुर्ता को कुर्ता बोलते हैं. अब उस कुर्ता को अगर हमने सिल्क फैब्रिक में बनाना शुरू कर दिया तो हम उसे क्या बुलाएंगे, कुर्ता की जगह मे बी सुर्ता. सो दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि आपने स्टाइल चेंज नहीं किया, आपने डिजाइन में कुछ चेंज नहीं लेके आए, इट्स जस्ट आपने नाम चेंज कर दिया विच डजंट इवन साउंड गुड. हमारे पास आई थिंक इसके लिए ऑलरेडी एक डिसेंट नाम है, डेनिम शॉर्ट्स, एंड आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है इसको, सुनने में ज्यादा लॉजिकल है इंस्टेड ऑफ जॉर्ट्स, जो कि आई थिंक सुनने में भी अच्छा नहीं है. लेट गो द फैक्ट कि ये एक नया नाम कॉइन करने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डेनिम शॉर्ट्स. नेक्स्ट है रोबिगन. रोबिगन मतलब कार्डिगन प्लस रोब. सो ये एक ऐसा कार्डिगन है जिसे रोब की तरह आप टाई कर सकते हो. सो बेसिकली ये एक रोब है तो हमने इसमें कार्डिगन क्यों ऐड किया, इट्स अ रोब और वो एक निटेड रोब है. सो इसके लिए सिंपल नाम था निटेड रोब बट नहीं, हमने इसे रोबिगन बना दिया. सो यू एग्री निटेड रोब हो सकता है राइट, जैसे प्रिंटेड रोब है, एम्ब्रॉयडर्ड रोब है, हमने क्यों इसे रोबिगन बनाया. सो यहाँ पे अगर फैब्रिक मेकिंग टेक्निक के हिसाब से हम गार्मेंट का नाम बदलने लग जाएंगे देन आई थिंक हमारे पास काफी स्टाइल्स ऑन द स्पॉट हम लोग बना सकते हैं, न्यू ट्रेंड्स हम लोग लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टॉप है, कॉटन में टॉप है, वो टॉप है, निटेड टॉप है तो वो टॉप है. अब इट डजंट मीन कि अगर एक निटेड टॉप है तो हम उसे स्वेट टॉप बुलाएंगे. आई थिंक देयर वी गो, हमने एक नया स्टाइल अभी अभी लॉन्च कर दिया है, निटेड टॉप को हम स्वेट टॉप बोल सकते हैं बिकॉज वो स्वेटर प्लस टॉप को मिला के बना है. सो वाई रोबिगन, इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है यहाँ पे. आई थिंक स्वेट टॉप ज्यादा बेटर नाम साउंड कर रहा है एंड वी शुड लॉन्च इट इससे पहले कि कोई और इस टर्म को अपना बना ले. हम हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं कि फैशन फील्ड को ऐसा ना समझा जाए, पीपल शुड नो इट द वे इट इज कि एक्चुअली बहुत क्रिएटिविटी जाती है इसमें, बहुत थॉट प्रोसेस जाता है इसमें, इंटेलिजेंस इसमें यूज होती है. बट नहीं, ये लोग हमें ये प्रूव करने नहीं देंगे एंड टाइम टू टाइम ये ऐसी चीजों को लॉन्च करते रहेंगे विच आर टोटली नॉनसेंस. सो बेसिकली इनके हिसाब से हम नए स्टाइल्स और नए ट्रेंड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम नए टर्म्स पे काम कर रहे हैं. सो बिकॉज कूल होना बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है तो एग्जिस्टिंग गार्मेंट्स को अटपटे नाम देके दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं और टेक्निकली हम वही चीज दोबारा से पहन रहे हैं बट हम सोच रहे हैं ओ ये एक नया डिजाइन है, एक ब्रांड ने लॉन्च किया है इसे, इट्स सो कूल, इट्स हम उसे बहुत सालों से पहन रहे हैं. प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो लोग एक अटपटा नाम दे रहे हैं उसको, बस सिर्फ इतना सा काम करना है उनको और उनका डिजाइन दोबारा से पॉपुलर हो जाएगा. नेक्स्ट है शैकेट, जो कि शर्ट प्लस जैकेट है. सो ये बेसिकली ऐसी शर्ट है जो किसी भी फैब्रिक में हो सकती है, विंटर्स का फैब्रिक हो सकता है, समर्स का हो सकता है, जिसे आप एक इनर पहनेंगे पहले नीचे, या स्वेटर पहनेंगे, या एक टॉप पहनेंगे उसके ऊपर आप इस शर्ट को पहनेंगे और इसका फ्रंट जो बटन है वो ओपन रहते हैं जैसे आप जनरली जैकेट को पहनते हैं राइट. तो इसे शैकेट बोला जाता है. क्या हम इसे सिंपली डिसेंट वे में शर्ट जैकेट नहीं बोल सकते थे, जैसे कि कुर्ताज ऐसे हैं काफी टाइम से पॉपुलर हैं जिसमें शर्ट के एलिमेंट्स होते हैं और हम उन्हें शर्ट कुर्ताज कहते हैं, हम इन्हें शुर्ताज नहीं कह रहे हैं, इट साउंड्स वियर्ड. सेम हम उसे शर्ट जैकेट कह सकते हैं, साउंड्स गुड, साउंड्स डिसेंट, साउंड्स स्मार्ट, पर नहीं, हमने उसे शैकेट कहना है
एंड पीपल आर बाइंग इट। और ये बड़े ब्रांड ही ये सब काम कर रहे हैं, कोई छोटा ब्रांड ऐसा ब्रांड जो सस्ते में आपको सामान दे रहा है वो ऐसे काम नहीं करते। ये बड़े ब्रांड्स हैं जो इन चीजों को लेके आ रहे हैं। सो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि दो नामों को मर्ज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी चीज है जेगिंग्स, जेगिंग्स एक नया ट्रेंड है, जीन्स प्लस लेगिंग्स को मिलके आया। सो देयर इज समथिंग जो उन्होंने फैब्रिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया, दो स्टाइल्स को आपस में जोड़ा है एंड काफी प्रैक्टिकल है। आप डिफरेंट स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जेगिंग्स के साथ। सो एंड इट साउंड्स गुड। एक और पॉइंट ये भी है, इट ऑल्सो साउंड गुड ना, ऐसा नहीं है कि दो नामों को जोड़ के आप कुछ भी बोलोगे। सो जेगिंग्स साउंड्स गुड। जेगिंग्स के पीछे येस देर इज अ सर्टेन एफर्ट जो इस नए गार्मेंट को बनाने में लगाया गया है, दो डिफरेंट गार्मेंट्स को जोड़ के ये बना था। सो दैट्स द पॉइंट, हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि दो स्टाइल्स को जोड़ के आप एक स्टाइल बनाओ या दो नामों को मर्ज करके आप बनाओ। बट फर्स्ट दो चीजों को अगर आप जोड़ रहे हो तो तीसरी जो चीज बने वो नहीं बने, ऐसा नहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सेकेंडली, प्लीज स्टार्ट नेमिंग द थिंग्स डिसेंटली एंड नाइसली सो दैट बोलने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे। लेट मी टेल यू, जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे कैसा लगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास एक फ्लावर लेने आए हो, मैंने आपको रेड रोज दिया, तो आपने मुझे कहा रेड रोज बहुत कॉमन है और मैं से बोर हो चुका हूँ या चुकी हूँ एंड कुछ नया दिखाओ। तो मैं आपको सेम रेड रोज दोबारा दूंगी और कहूंगी ये स्कारलेट रोजा है और सिर्फ मेरी फ्लावर शॉप पे आया है, और आप खुशी खुशी उसे अपने घर ले जाएंगे ये सोचते हुए कि वाओ आपके पास एक टोटली डिफरेंट टाइप का फ्लावर है। सी यू सी, इस तरीके से इस लेवल के फुलिश हमें समझा जा रहा है, इस लेवल की स्टुपिडिटी हो रही है फैशन वर्ल्ड में। आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स बट दे रियली बॉदर अस इन मल्टीपल वेज कि एज कंज्यूमर्स क्या समझा जा रहा है कि किसी के पास कुछ दिमाग नहीं है, यू जस्ट इंट्रोड्यूस अ स्टूपिड नेम और आप सोचोगे कि लोग उसे खरीद रहे हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड आप लोग एज कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, प्लीज जब भी कोई नई चीज लॉन्च हो, नया ट्रेंड आए, नया फैशन आए, उसको फटाफट अडेप्ट करके वो टर्म्स को यूज करने से अच्छा है प्लीज स्टॉप देयर। ऐसा है कि ऐसा बोलते हैं कि गॉसिप एक वाइज पर्सन के कानों को जब हिट करता है तो वो रुक जाती है। सेम शुड हैपन हियर। अगर आपको ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, नो मैटर कौन डिजाइनर है, कौन फैशन मैगजीन है, जो भी है, उस इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कीजिए तभी उसके बारे में आगे बात कीजिए। जरूरी नहीं है जो चीज चलती आ रही है हम उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अगर हम इसी तरीके से इन वर्ड्स को यूज करते रहेंगे, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में एड कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो वो दिन दूर है जब हम लोग अच्छे शब्दों की कीमत को भूल जाएंगे, कॉन्वर्सेशन की स्किल को भूल जाएंगे, एक तमीजदार तरीका जो बात करने का है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज व्हाट, सिर्फ फैशन वर्ल्ड में नहीं, हर फील्ड में इतने अटपटे नाम आ रहे हैं जो कि सेंस भी नहीं बनाते, लॉजिकल भी नहीं है, सुनने में भी अच्छे नहीं है। एंड व्हाई दे गेट पॉपुलर इज क्योंकि हम एज कंज्यूमर्स उनको यूज करते हैं और उनको कॉमन बना देते हैं। सो ये जो सब वर्ड्स हैं इनका कोई सेंस नहीं है और ये डेफिनेटली नए ट्रेंड्स नहीं है, मैंने बहुत टाइम से पहनते आ रहे हैं। सो वी नीड टू कीप लॉजिकल थिंकिंग अलाइव और ऐसी भेड़चाल का हिस्सा प्लीज मत बनिए। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। आई नो आपने वीडियो इस मंशा से नहीं देखी थी जैसा कि इसके थंबनेल पे है या इसके टाइटल में है, बट आई रियली होप कि जो हमारा इसके बनाने के पीछे का मकसद था वो आप लोगों को क्लियर होगा एंड आप में से काफी लोग उसके साथ एग्री भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।